Assalamu alaikum dosto, just to bring your attention, I hope everyone is doing out there, just to bring your attention on a very serious topic, Samreen, Asif and Raza Bugti, Karachi mein jo case hua hai aur aaj ko social media par uske baare mein kaafi baatein hain. Just my few cents about this case, as I have observed this case, jaise maine is case ko dekha, हमें सोचना होगा कि हमें सिर्फ बुगतियों और जमालियों, अगर मतलब किसी नाम के आगे ये लग जाए तो हमें लगता है कि शायद उन्हीं का कसूर है. जब मैंने इस केस को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट अबाउट गाय, आई एम नॉट द फाइनल वर्डिक्ट, बट स्टिल इस केस को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए. वकार जका ने इस केस को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और फैक्ट्स को सामने लेकर आया. लेकिन Why I'm making this video कि अगर वाकई माँ की गलती है, जो कि लगता है कि समरीन आसिफ केस और उसकी बच्ची उरूज का जो केस है, जो कि गैंग रेप का केस है, अगर उसमें वाकई उसकी माँ की गलती है तो माँ को कैफरे किरदार तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो कि अपने बच्चों की कफालत कर रही हैं और इट्स अ काइंड ऑफ माँ के करेक्टर पर एक तरीके की बात आने वाली बात है. तो इट्स मुकद्दस रिश्ता. आल्सो वी नीड टू सी, आई मीन दैट इट्स हैपनिंग एवरीवेयर. आई मीन इफ दिस मॉ इज डूइंग दिस थिंग टू हर डॉटर, तो शायद पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर ऐसे केसेस हो रहे हैं. एज लॉन्ग एज अबाउट दिस गाय रज़ा बुगती, यू कैन वॉच वीडियोज ऑफ दिस गाय रज़ा बुगती विद दिस गर्ल समरीन आसिफ. लड़के ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है. ही इज़ ओपन आउट देयर, वो बोल रहा है कि अगर मेरा कोई कसूर है तो मुझे सज़ा दी जाए. द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ दैट कि रज़ा बुगती, इट लुक्स लाइक इनिशियली जब आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करें तो लगता है कि रज़ा बुगती का कसूर है सारा, लेकिन आई फील माई सेल्फ दैट समवेयर माँ इस कसूरवार. केस को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस केस को देखना चाहिए और जो गुनाहगार है उस गुनाहगार को सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक 15 साल की बच्ची की इज्जत का सवाल है. आई हैव वॉच्ड, वो बच्ची भी बहुत गालियाँ दे रही थी और 15 साल की बच्ची नहीं लगती, लेकिन उस बच्ची का कोई कसूर नहीं, शी इज़ इनोसेंट. माहौल ने उसको बनाया, शायद उसकी माँ के किरदार ने उसको ऐसा किया. तो आई वुड से कि हुकूमत को शुड स्टेप इन एंड लुक इनटू दिस केस. अल्लाह हाफिज़.